गुरु आज 9 अप्रैल स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति ने पंजाब के किस जिले के डिंगी गांव में एक जल प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI नाबार्ड को एक वर्ष के लिए कितने रुपये की विशेष तरलता सुविधा प्रदान करेगा? तो करेगा 25,000 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उषा राव मोनारी ने निम्न में से किसकी अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक रूप से भूमिका संभाली है? तो संभाली है UNDP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में तेलंगाना में कोंडा पोचम्मा सागर का पानी किस जिले में 20 टैंकों को भरने के लिए गजवेल नहर में छोड़ा गया? तो ये है सिद्दीपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में विप्रो ने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संचालन के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो की है सारा एडम गेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो की है शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमण, यानी दोनों लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने किस वर्ष से 2018-19 तक अपने पहले चरण के 92% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो यह 2016-17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गोखले ने मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक एक नई किताब लिखी। मनोहर पर्रिकर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो उन्होंने कार्य किया गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में BCCI ने DGP शब्बीर हुसैन शेखदम खांड बाबा वाला को अपने एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया है, उन्होंने किसका स्थान लिया? तो लिया है अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर PV मॉड्यूल की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किसने ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव NIMH का शुभारंभ किया? डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला ऑनलाइन प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रशिक्षण PDOT कार्यक्रम शुरू किया है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने ये आयोजन किया? तो ये आयोजन किया विदेश मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का मधु क्रांति पोर्टल और हनी कार्नर का शुभारंभ किसने किया? तो किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू के शीघ्र निदान के लिए निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक उपकरण विकसित किया है? तो यह है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इलास्टिकॉप्टर नामक एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? तो यह है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में सरकार ने एस रमन को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है SIDBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने 8 अप्रैल 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये रवाना हुए बांग्लादेश की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस शहर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के प्रावधानों को समझने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किया है गंगटोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में PM मोदी ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी करेंगे, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु पर अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन कैरी ने अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जलवायु के लिए अमेरिकी विशेष राष्ट्रपति दूत कौन है? तो ये है जॉन कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में PM मोदी ने किसके साथ सेशल्स में भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया? तो ये है बेबल राम कलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री उस्मान साले मोहम्मद अप्रैल 2021 में भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुँचे? तो पहुँचे इरिट्रिया के विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल 2021 से एक विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है, अभियान किस तारीख तक जारी रहेगा? तो रहेगा 23 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने सुबह तातावर्ती को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह है विप्रो।